हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, क्या आपका भी फेसबुक अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है एंड आप उससे रिकवर करना चाहते हैं पर गाइस आप उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं? तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सबको यही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट जो है डिसेबल्ड हो चुका है एंड आप उसे बार बार रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार वीडियोज़ को देख रहे हैं बट गाइस आपका जो डिसेबल फेसबुक अकाउंट है रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सबको यही चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको जो है अपना डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर करना है एंड कैसे आपको जो अपना डिसेबल अकाउंट को फिर से ओपन करना है। एंड गाइस अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो भाई आपको भी दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने डिसेबल अकाउंट को रिकवर करने के लिए, ओपन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने के लिए सबसे फर्स्ट में आपको जी अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना होगा एंड उसके बाद आपको जी अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। जी ऊपर में सर्च बार का आइकन दिख जाएगा, सिंपली आपको सर्च बार में क्लिक कर देना होगा। तो गाइस यहां पे आपको जी सर्च बार में क्लिक करना होगा एंड उसके बाद यहां पे आपको सर्च करना होगा फेसबुक हेल्प सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है फेसबुक हेल्प सेंटर सर्च कर देना होगा एंड जिससे आप इतना सर्च कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने फर्स्ट में फेसबुक हेल्प सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली फेसबुक हेल्प सेंटर पर क्लिक कर देना होगा, आपके सामने हेल्प सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अब आपको ऊपर में सर्च करने का एक ऑप्शन देखना, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है डिसेबल्ड सर्च कर देना होगा। ठीक है, डिसेबल सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा एंड इसके बाद यहाँ से सेकंड में मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया है कुछ ऐसा आ जाएगा इंटरफेस। ठीक है, कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो सिंपली मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, एंड जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके फेसबुक अकाउंट का बंद करने का यहाँ पे कुछ रीजन देखने को मिल जाएगा। ऐसा कंटेंट जो पोस्ट करना जो फेसबुक की शर्तों का पालन नहीं करता, नकली नाम का उपयोग करना, अन्य कोई व्यक्ति होने का दिखावा करना। ठीक है, ये सभी रीजन होता है फेसबुक अकाउंट को डिसेबल होने का। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपना अकाउंट को रिकवर करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको जो नीचे आ जाना होगा, नीचे आने के बाद यहाँ से आपके सामने रिव्यू के लिए फॉर्म भेजें। ठीक है, रिव्यू रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म भेजें कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो सिंपली रिव्यू के लिए भेजने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करें पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एंड जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, मेरा निजी अकाउंट बंद था। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं तो यहाँ से माई पर्सनल अकाउंट वाज क्लोज। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अब आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिलअप किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको जो है लॉगिन ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे आपके सामने योर फुल नेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो भी फुल नेम है यहाँ पे आपको जो अपना फुल नेम डाल देना होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देते हैं एंड फुल नेम डालने के बाद नीचे सेव योर आईडी का ऑप्शन आ जाएगा एंड चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अब आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा एंड आपको जो 100% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इस फॉर्म को फटाफट से फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम इस फॉर्म को फटाफट से फिल कर चुके हैं, सेंड का ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना होगा। चलिए हम यहाँ पे सेंड पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एंड सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारे सामने कुछ लोडिंग लेगा एंड लोडिंग लेने के बाद यहाँ से हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, यह पेज उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जिस लिंक को आपने फॉलो किया है वह टूटा हो सकता है या फिर उस पेज को निकाल दिया गया है। तो भाई यहाँ पे मैं आप सभी को यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई जो ये लिंक है, जो फेसबुक रिव्यू का लिंक था, डिसेबल अकाउंट को रिकवर करने का तरीका था, वो यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है कि भाई डिसेबल अकाउंट अभी रिकवर हो जाएगा, मैं कहूं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि फेसबुक टीम ने इस लिंक को बंद कर दिया है। ठीक है, इस लिंक को बिल्कुल खत्म कर, भाई ऐसे में हम अपना डिसेबल फेसबुक अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। मैं आप सभी को यही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है उस आईडी को भूल जाइए। ठीक है, डिसेबल अकाउंट को भूल जाइए एंड आप जो है एक न्यू आईडी क्रिएट कर लीजिए, न्यू आईडी बना लीजिए एंड आप जो है न्यू फेसबुक आईडी को यूज करिए। ठीक है, एंड जो भी आपने गलती किया है वो गलती आप दोबारा मत करिए एंड जो भी आप
फेसबुक आईडी बनाएंगे उसमें आपका जो नेम है एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही रखना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं रखना है। और आपका नेम जो स्टाइलिश नहीं रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो अपना न्यू अकाउंट बना लेना, आपको जो अपना न्यू अकाउंट यूज करना है। तो गाइज यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हेल्पफुल एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलेगा इस नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।